हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कार ऑफ 45। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट टैक्सी कार बताऊंगा। अगर दोस्तों आप कोई ऐसी कार खरीदने का मन बना रहे हो जिसको आप टैक्सी के रूप में इस्तेमाल कर सको तो ये वीडियो पूरा जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इन कारों को ओला, उबर या फिर ट्रैवलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उससे पहले अगर दोस्तों आप चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह की वीडियो समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो टैक्सी कार। नंबर 1, मारुति सुजुकी वैगनर। दोस्तों इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, फैमिली के साथ साथ इसे टैक्सी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपको 1 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। 24 किलोमीटर इसमें आपको माइलेज देखने को मिल जाती है। 65 BHP की पावर मिलती है। इसके अलावा दोस्तों टैक्सी कार में सबसे जरूरी होता है बूट स्पेस। आपकी कार का बूट स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना आप अपने ग्राहक का सामान कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको 304 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी एक शोरूम प्राइस 5.5 लाख से स्टार्ट होती है। इसमें आपको CNG वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है। नंबर 2, मारुति सुजुकी इर्टिगा। दोस्तों एक 7 सीटर कार है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेहतरीन कार है। इसमें आपको एक 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। 101 BHP की पावर, 20 किलोमीटर की माइलेज मिलती है। ये कार पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शन में आ जाती है। इसके अलावा इसमें आपको 209 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा है। इसमें आप अच्छे से सामान रख सकते हो। इसके अलावा इसकी एक शोरूम प्राइस 8,40,000 से स्टार्ट होती है। अगर दोस्तों आपका बजट थोड़ा ज्यादा है तो टैक्सी पर्पस के लिए कार सबसे बेहतर है। नंबर 3, हुंडई i20। एक 5 सीटर हैचबैक कार है। इसके अलावा ये बिल्कुल प्रीमियम फीचर के साथ आ जाती है। इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। 83 PS की पावर, 300 लीटर की इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिलती है। 20 किलोमीटर का माइलेज देखने को मिलती है। लेकिन इसका एक कौन है, ये CNG वेरिएंट इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट देखने को मिलता है। इसमें आपको 160 किलोमीटर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसमें आपको 10 कलर ऑप्शन 24 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। इसके सेकंड बेस मॉडल में आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इसकी एक शोरूम प्राइस लगभग 7 लाख से स्टार्ट होती है। नंबर 4, महिंद्रा स्कॉर्पियो N। दोस्तों एक 7 सीटर पावरफुल गाड़ी है। इसमें आपको कमाल का कंफर्ट देखने को मिलता है। इसका पावरफुल इंजन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बिल्कुल कंपैटिबल है। इसके अलावा इसमें आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। 130 और 150 bhp के बीच में पावर मिलती है वेरिएंट के हिसाब से। 300 Nm का टॉर्क मिलता है। 460 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस देखने को मिलता है। दोस्तों इसको आप पर्सनल के लिए और टैक्सी के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्सी के लिए सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कार है, इसको लोग ऑफ रोडिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी एक शोरूम प्राइस लगभग 12 लाख से स्टार्ट होती है और टॉप मॉडल्स का 24 लाख में मिलता है। इसके अलावा नंबर 5, मारुति स्विफ्ट डिजायर। एक 5 सीटर सेडान कार है और एक काफी इसको टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 1.2 लीटर का इंजन, 76 bhp की पावर, 23 किलोमीटर की माइलेज, पेट्रोल CNG दोनों ऑप्शन में आती है। इसके अलावा ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ट्रांसमिशन में आती है। इसके अलावा 378 लीटर की बूट स्पेस मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इसमें आपको मैनुअल AMT दोनों ट्रांसमिशन मिलते हैं। CNG पेट्रोल दोनों ऑप्शन में आ जाती है ये कार। इसके अलावा बात करें प्राइस की, इसकी एक शोरूम प्राइस 6,24,000 से स्टार्ट होती है, वहीं टॉप मॉडल 9,18,000 में मिलता है। नंबर 6, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। ये भी टैक्सी के लिए एक बेहतरीन कार है, इसको बिजनेसमैन भी यूज करते हैं। इसके अलावा ये 7 सीटर SUV कार है। इसमें आपको 2694 cc का इंजन, 163 bhp की पावर, 300 लीटर की बूट स्पेस मिलती है। इसमें आपको 8 से 10 के बीच में माइलेज देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी टॉप स्पीड है लगभग 175 km/h। और बात करें प्राइस की, 17 लाख रुपए इसकी शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है, वहीं 26 लाख तक जाती है। इसके अलावा ये बहुत ही प्रीमियम लुक में मिल जाती है आपको देखने को। आपको दोस्तों इनमें से कौन सी टैक्सी कार पसंद आई हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत के लिए वीडियो लाइक कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।